हाय सब श्रेयांश, आज हम शुरू करने जा रहे हैं CBSE क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर हम टोटल 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमारा होगा लोकेशन। इसमें हमें ये बताया जाएगा कि ग्लोब पे इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें इसके साइज की बात की जाएगी कि इंडिया की टोटल साइज कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और इसकी टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितनी है। और जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। मीन्स इंडिया ग्लोब पे जहाँ भी लोकेटेड है वहाँ पे लोकेशन की वजह से अदर कंट्रीज से ये कैसे कनेक्टेड है और वहाँ पे होने की वजह से इसको क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इट्स नेबर्स, मीन्स इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से पड़ोसी प्लेसेस हैं, इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन। पहला लेक्चर लोकेशन के बारे में, मीन्स अर्थ पे इंडिया लोकेटेड कहाँ होगा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये दो चीज़ क्या होती है, इसको जाने बिना हम लोकेशन नहीं जान पाएंगे। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों एक इमेजिनरी लाइन है। ये सपोज किया है ह्यूमन ने कि अर्थ पे कोई इस टाइप की, ये हमारा ग्लोब है, इस पे ऐसे और ऐसे बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, ऐसा सपोजिशन है हमारा। ये सिर्फ रिफरेंस के लिए देते हैं ताकि इंडिया को सही तरीके से लोकेट किया जा सके। अब इसमें से लैटिट्यूड कौन सी है और लॉन्जिट्यूड कौन सी है, तो जो लाइन लेटी हुई है मीन्स ये वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है और जो खड़ी लाइन है वो लॉन्जिट्यूड है। लैटिट्यूड में सेंटर वाला 0 डिग्री पे होता है जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। सेंटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इससे ऊपर जाने पे ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है और ये साउथ डायरेक्शन होता है। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो इसकी डिग्री धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और जब साउथ की तरफ जाते हैं तो भी इसकी डिग्री इंक्रीज होती है। तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया जो 0 डिग्री से शुरू होकर ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है और नीचे की तरफ इंक्रीज होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। दूसरा है लॉन्जिट्यूड, ये जो लंबी वाली लाइन है जो सीधे खड़ी है ये हमारी लॉन्जिट्यूड है। इसमें भी इसी प्रकार से कुछ डिविजन्स होते हैं, इसमें भी अलग अलग डिग्रीज मेंटेन होती हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 10 डिग्री, तो इसमें भी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहता है, इसमें भी सारी डिग्रीज बनी होती हैं। इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं हम इंडिया को लोकेट करने के लिए। तो अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। अब ये हमारा जो अर्थ है, हम सबको पता है कि अर्थ हमारा एक स्फेरिकल शेप का है, अर्थ स्फेरिकल शेप का है। और ये जो हमारा इक्वेटर है ये अर्थ को 0 डिग्री से लेके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये एक हाफ हो जाता है और ये सेकेंड हाफ। और एक स्फेयर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने का मतलब कि ये एक हेमिस्फीयर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आते हैं इंडिया का लोकेशन, इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है। तो इंडिया हमारा इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर साइड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ लोकेटेड है, तो हम लोग पढ़े हैं ये हमारी लॉन्जिट्यूडनल लाइन है, ऐसी खूब ढेर सारी हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, इसका यूज करेंगे हम लोकेशन बताने में। यहाँ पे मान लेते हैं इंडिया है ये। अब इंडिया का लोकेशन हमें अगर बताना है तो हमें 4 चीज़ें बतानी होंगी, ये कौन सी लॉन्जिट्यूडनल लाइन है, ये कौन सी लॉन्जिट्यूड है, ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये कौन सा लैटिट्यूड है। अगर ये 4 चीज़ हम बता लेते हैं तो इंडिया का लोकेशन डिस्क्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं लैटिट्यूड में इंडिया का एक्सटेंट, पहले लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब सिंपली कह सकते हैं कि कहाँ तक ये फैलाव, कहाँ तक है इंडिया, कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो लॉन्जिट्यूड का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक, तो ये वाला हमारा होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके ये वाला हमारा होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
और इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि ये वाला जो लॉन्जिट्यूडनल सॉरी लैटिट्यूडनल लाइन है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, मीन्स इसका और इसकी क्या क्या डिग्रीज है। सॉरी ये तो इक्वेटर है, इंडिया हमारा इक्वेटर से हल्का सा ऊपर है, इधर कहीं आएगा। तो इक्वेटर से ऊपर इंडिया कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है, तो हमारा ये वाला जो है ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये डायरेक्शन हमारा कौन सा था, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो साउथ डायरेक्शन में है, ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये वाला हमारा होगा 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है? ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट इससे 97 डिग्री 25 मिनट इस तक है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, अब एक और स्पेशल लाइन आता है इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो ये हमारा अर्थ, इसमें यहां पे इक्वेटर, इक्वेटर से कुछ ऊपर इंडिया लोकेटेड है, ऐसे एक इंडिया मान लेते हैं। इंडिया के लोकेशन में एक स्पेशल लाइन ऊपर और नीचे दोनों होती है, ये होती है हमारी 23 डिग्री 30 मिनट ऊपर नॉर्थ साइड में, और 23 डिग्री 30 मिनट साउथ साइड में। ठीक है, दोनों साइड में ये होती है। अब ये वाली जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया के टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में सिर्फ हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। किस पे, लैटिट्यूड, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये लेटी हुई है, तो ये लैटिट्यूड है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ हो गया, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के किस किस स्टेट से होके पास करती है। ठीक है, इंडिया के किस किस स्टेट से पास करती है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का गुजरात आता है, गुजरात से शुरू होगा। अब गुजरात से हम लोग देखते चलते हैं कि साइड में कौन कौन से स्टेट्स पड़ेंगे। सबसे पहला गुजरात पड़ता है, गुजरात से जस्ट सटे हुए हमारा राजस्थान पड़ता है, ऐसे कुछ सेप होता है गुजरात और राजस्थान में, ये गुजरात होता है, ये राजस्थान, और यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, ऐसे तो ऐसे पास होती है, इसलिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तीसरा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बगल में हमारा क्या है, झारखंड है, चौथा झारखंड हो गया। झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ये पास नहीं होता, बस थोड़ा सा टच करके मीन्स हल्का सा उसमें इसका एक्सटेंड देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल में जाता है, और उसके बाद त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम तक ये पहुँचता है, त्रिपुरा से मिजोरम तक। तो टोटल आपके 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके हो गए 8 स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सारे स्टेट जान लिए कि कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगला है हमारा कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कितने पे है, 23 डिग्री 30 मिनट, इसके थोड़ा सा नीचे आने पे 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया टेपर होना शुरू होता है। टेपर का मतलब शंकु शेप, ट्रायंगुलर शेप कह सकते हो, कोनिकल शेप में। तो 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया कोनिकल शेप में बेंड होना शुरू होता है। अब इस कोनिकल शेप मीन्स यहाँ पे देख लो, थोड़ा जूम्ड आउट फिगर है, 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया टेपर होना शुरू होता है, और टेपर होके ये कहाँ तक जाता है, तो नीचे आपका है इंडियन ओशियन। एक फैक्ट बताता हूँ, इंडियन ओशियन मीन्स इंडिया पहली या एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे कोई ओशियन है, क्यों है ये आगे बता दूंगा टाइम मिला तो। फिलहाल इंडियन ओशियन, इंडिया के जस्ट नीचे जो वाटर बॉडीज है उसको इंडियन ओशियन बोला जाता है, और ये टैपर होकर इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ती है और इंडियन ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसके एक साइड में आपका ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल कहा जाता है जो वाटर बॉडीज है, और जो आपका वेस्ट साइड में आता है ये अमेजन सी कहा जाता है। ठीक है, अब डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ईस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, तो इसके लिए भी एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में है, याद रखना, वेस्ट बंगाल
ईस्ट साइड में है और ईस्ट के अपोजिट वाला, ईस्ट के अपोजिट वाला वेस्ट साइड। ऐसे ही मूवीज सभी लोग देखते हैं, सबको पता है कि तमिल मूवीज जो होती हैं वो साउथ मूवीज होती हैं। तो ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है ये साउथ डायरेक्शन हो गई, और साउथ के अपोजिट हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, इंडिया का ये जो ग्लोब में देखे थे तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ये साउदर्न हेमिस्फीयर था, अपर वाला पार्ट नॉर्दर्न। तो इसी के पर्पज से आपको इंडिया का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या था कि इंडिया टैपर होके नीचे इंडियन सी इंडियन ओशियन में जाती है और इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसमें ईस्ट साइड में आपका आता है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में आता है अमेजन सी। ठीक है, अब ये तो हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बे ऑफ बंगाल और अमेजन सी। अब इस चैप्टर के लोकेशन टॉपिक का आखिरी पॉइंट क्या, एक्सट्रीम पॉइंट्स अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आगे इंडिया का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। ये हमारा सॉरी कुछ स्टेप में है, एग्जैक्टली बन नहीं पाएगा, थोड़ा फास्ट बना रहा हूं। तो यहां पे देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये जो ऐसे शेप मिलेगा, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर, थोड़ा सा ट्रेंगुलर शेप में आपको एक मैप देखोगे तो ट्रेंगुलर शेप में देखेगा, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यही आपका नॉर्थ साइड में एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके आगे इंडिया का कंट्रोल नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये भी इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है ये वाला पॉइंट? तो देखिए, आपने सुना होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो है ये POK है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है कश्मीर पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं है। वैसे ही ये आपका चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आप सुनते होंगे अक्सर पाकिस्तान यहाँ पे बमबारी करता है, तो ये वाला पार्ट आपका LOC आएगा। ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, इसके बीच में ये वाला जो सियाचिन ग्लेशियर है इंदिरा कॉल के पास, ये हमारा नॉर्थ साइड का एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये तो हमारा नॉर्दर्न डायरेक्शन हो गया। साउथ डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे आपका श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे एक सॉरी एक छोटा सा आइलैंड है, एक बड़ा सा आइलैंड है, बहुत सारे पार्ट्स में है, लेकिन ये जो अंडमान और निकोबार, ये निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है इसको। ग्रेट निकोबार का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट के नाम से एक विलेज है। ठीक है, उसी विलेज को हम साउथ डायरेक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट की तरह से जानते हैं, वहाँ पे इंडिया का लास्ट कंट्रोल है। अब यही आपके सिलेबस में था, नॉर्थ और साउथ ही, लेकिन ईस्ट और वेस्ट भी बता देता हूँ। ईस्ट साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश में एक किबीतू नाम की जगह है, टाउन है ये किबीतू, THU भी होता है, THOOB होता है, किबीतू नाम से एक टाउन है जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में किबीतू नाम का एक टाउन है, जो आपका ईस्ट डायरेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट है। और वेस्ट डायरेक्शन में तो गुहार नाम का एक विलेज है, कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो गुहार नाम का विलेज है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट है। तो चारों आप पढ़ लिए, सियाचिन ग्लेशियर नियर इंदिरा कॉल, ये आपका नॉर्थ साइड में है, इंदिरा पॉइंट ऑन निकोबार आइलैंड ये आपका साउथ साइड में है, गुहार विलेज इन कच्छ ये आपका ईस्ट साइड में है, और किबीतू टाउन इन अंजाव ये आपका कहाँ पे है? वेस्ट साइड में। ये आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका जम्मू कश्मीर में आएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपका इंदिरा निकोबार आइलैंड में आएगा, ये गुजरात में आएगा, और ये आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था लोकेशन, उसमें यही बस था, तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए, मीन्स चैप्टर का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट इट्स साइज, कि इंडिया की लेंथ ब्रेथ और टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितनी है। ओके।